हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब आ गया है। तो अभी भी आप तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओके, तो इसीलिए हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देख करके जाइए। एग्ज़ाम में 100% मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे आपके। देरी न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो छात्र बीए फर्स्ट ईयर में है और उनका सेमेस्टर सेकंड है और सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो इस वीडियो को वो कंप्लीट देखिए। ओके, जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर है, पूरा एमसीक्यू होता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट पेपर है भूगोल का। ओके, फुल कोर्स कम्प्लीट कोर्स कराने वाले हैं। टोटल हम 500 से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेंगे तो 100% भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप पहले चैप्टर के अंतर्गत पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये दूसरा वीडियो है। ओके, मानव भूगोल परिभाषा प्रकृति एवं प्रमुख उपशाखाएँ, इसका पहला पार्ट हमने अपलोड किया है जिसमें 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। बस इतना आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस सीरीज़ के आप 90% भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क आएगा। 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये हमारा क्लास 2 है। ओके, क्लास 2 है और इसके पहले हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 51 से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जितने भी पार्ट मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और तैयारी आप बेहतर कर सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कांट ने भूगोल के 6 भाग किए जिसमें सम्मिलित नहीं था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भौतिकी, वाणिज्यिक, राजनीतिक और चिकित्सीय। बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा चिकित्सीय। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कांट ने भूगोल के 6 भाग किए जिसमें सम्मिलित नहीं था, वो चिकित्सीय था। ओके, आगे देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो वहाँ बिल्कुल फ्री PDF और इजी तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी सूचनाएँ, किस चीज़ का कोर्स चलने वाला है और किस चीज़ का PDF आपको चाहिए, वो सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगे, सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रिंसिपल दी ज्योग्राफिक्स ह्यूमनिज किसने लिखी। 4 ऑप्शन है, कांट, बी डी ला ब्लास, या रिटर, या रेडजल। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिडाल डी ला ब्लास। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक वीडियो हम ऐसा लेकर के आएंगे इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद, जिसमें सभी बुक और उनके आर्थर होंगे, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मेजर नेचुरल रीजन्स किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन है, राक्सबी, HJ फ्लोर, AJ हार्डसन, या ब्रायन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा AJ हार्डसन। ओके, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है भाई साहब 14 नंबर, नियतवादी विचारधारा का प्रारंभ किसने किया। हम्बोल्ट, सैंपल, ब्लांस, या फिर कांट। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नियतवादी विचारधारा का प्रारंभ किसने किया, ध्यान रखिएगा हम्बोल्ट। ओके, नियत कैसे याद करेंगे, नियतवादी, नियत हम लोगों में होती है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको किसी चीज़ से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, वो हमेशा आपके माइंड में सेट रहेगा। तो नियतवादी कैसे याद करेंगे कि नियत किसके अंदर होती है, हम लोगों के अंदर होती है। तो नियतवादी विचारधारा का प्रारंभ किसने किया, हम्बोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ओके,
आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। कम से कम इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का, ज़्यादा नहीं तो 500 लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, काश मास अध्ययन है तो सभी को पता होना चाहिए भैया, काश मास के अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भारत के भूगोल का। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरोप का भूगोल गलत है, अमेरिका का भूगोल गलत है, विश्व का भूगोल गलत है, अध्ययन किसका करते हैं? भारत का भूगोल। ओके, याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के जन्मदाता हैं कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, हम्बोल्ड, विडाल डी ला ब्लास। भैया करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर लिखा करें, चाहे मेरे बताने के बाद ही क्यों ना लिखा करें, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप लिख देते हैं तो आपको वो क्वेश्चन याद रहता है। भाई मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे आप लोग हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57, रुको और जाओ, ध्यान दीजिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? भैया रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में बनता है, पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन लगातार बन रहा है। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे बताना है, चार ऑप्शन है। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ओके, ग्रिफिथ टेलर, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव लिखी गई है। अब भैया किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है, चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कांट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा बाबू? कांट के द्वारा लिखी गई है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भौगोलिक वातावरण, ओके, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव किसके द्वारा लिखी गई है? कांट के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, काश मास लिखी गई है। काश मास के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भारत के भूगोल का अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको याद रखना है। अब ये काश मास किसके द्वारा लिखी गई है? भाई ये एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट, तो बी आपका बाबू करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट, क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट। ओके, तो याद रखिएगा बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। काश मास किसके द्वारा लिखी गई है? हम्बोल्ट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अर्ड कुंडे लिखी गई है, ये एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईसी सैंपल के द्वारा, तो याद रखिएगा सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ई सी सैंपल के द्वारा अर्ड कुंडे लिखी गई है, याद रखेंगे तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, समस्त मानव प्रजातियों की उनकी उत्पत्ति एवं विकास, स्थानांतरण तथा प्रजाति सम्मिश्रण के आधार पर कितने बृहत समूहों में विभक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति एवं विकास, स्थानांतरण तथा प्रजाति सम्मिश्रण के आधार पर कितने बृहत समूहों में विभक्त किया गया है? 4, 5, 7, 3 बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भैया वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। अगर वीडियो को लाइक कर देते हो ना तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है अगर कोई त्रुटियां हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, 62 नंबर है विश्व की लगभग जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? 85, 80, 70 या 60?
देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 60%। कितने परसेंट बाबू? 60%। याद रखिएगा बहुत आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है, पूरे विश्व में। ओके, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 63। मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। चार ऑप्शन हैं, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, उपयुक्त में से सभी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया प्रादेशिक भूगोल, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रादेशिक भूगोल। ओके, मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं प्रादेशिक भूगोल, याद रखिएगा प्रादेशिक भूगोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल की शाखा नहीं है। चार ऑप्शन है, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक व राजनैतिक भूगोल या खगोल भूगोल। फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट कीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी खगोल भूगोल। मानव भूगोल की शाखा नहीं है बाबू, खगोल भूगोल। ओके, खगोल भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला आता है 65 नंबर। मानव भूगोल की शाखाएं हैं। चार ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि भूगोल, व्यापारिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल या उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी बाबू, उपरोक्त सभी। ओके, मानव भूगोल की शाखाएं हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है 66 नंबर। ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है या कथन किसका है? तो ये कथन भाई इसको याद करना बहुत ही आसान है, जैसे इसका है किसका है? रिचर्ड हार्डसोन का। ओके, तो देखें ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है, तो भूत जब आएगा ना तुम्हारे पास तो क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक, क्योंकि भूत बहुत खतरनाक होता है, तो याद कैसे करेंगे? हार्टसोन। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ रिलेट करके याद रखिएगा भाई साहब, तभी याद हो जाएगा। ठीक है, आप 2-3 बार इस वीडियो को रिवीजन करते हैं तो 100% सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं रहेंगे, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो वो आपको गेस हो जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लो समझ लो यूट्यूब चैनल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। ए सोशल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप का लेखक है। चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे एम हार्डस्टन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, इंपॉर्टेंट बुक है ये बुक, VBI लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 68 नंबर। निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने मानव भूगोल को 3 वर्गों तथा 6 प्रकार के आवश्यक तत्वों के रूप में विभाजित किया? फटाफट कमेंट कीजिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन्स ब्रोंस ने। किसने? जीन्स बाबू, जीन्स ब्रोंस ने, तो याद रखिएगा जीन्स ब्रोंस ने। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? चार ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए किसने लिखा इसको भी। भैया जीन ब्रोंस ने लिखा है। किसने लिखा है? जीन ब्रोंस ने, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीन ब्रोंस। दोस्तों अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो विद आंसर आपको PDF मिलेगा, लेकिन PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मतलब उसको फ्री में ज्वाइन होता है भाई, आप टेलीग्राम चैनल चलाते होगे तो लो समझ लो सर्च करोगे, बस उस पर सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं चलाते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे PDF उसमें आपको मिल जाएंगे, अच्छे से आपकी तैयारी भी हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आवास, उक्त सभी। ये सभी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी को बोला जाता है रोटी, कपड़ा, मकान। भोजन को रोटी, वस्त्र को कपड़ा, आवास को मकान।
तो ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या हैं? मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ओके, इसके बिना मानव का काम नहीं चल सकता। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 71 नंबर। मृदा के अनुपादक व्यवसाय से संबंधित तथ्य है। मृदा के अनुपादक व्यवसाय से संबंधित तथ्य है। मकान व सड़क, कृषि व पशुपालन, खनिजों का अवशोषण, पौधों व पशुओं का विनाश। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मकान व सड़क। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मकान व सड़क। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है पृथ्वी। मानव, पृथ्वी और मानव उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है मानव। जब मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम भाई साहब क्या पढ़ेंगे, सबसे अधिक मानव को पढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है मानव, यानी बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव अपने पर्यावरण की उपज है। मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांगों के साथ ठीक समायोजन करता है, अंततः उसके द्वारा अपने को योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन है, ब्लांच, रेडजल, हम्बोल्ट, रिटर। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडजल, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन को सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दो तीन बार रिवीजन करना है, एक वीडियो दो तीन बार देखना है एग्जाम के पहले पहले। भाई बहुत, एक साल का समय होता है, एक साल का समय होता है, छः महीने का समय होता है, जितना भी आपके पास अभी समय है, जितने समय से आप हमारी वीडियो देख रहे हो उसके भीतर आपको दो तीन बार रिवीजन करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो। ओके, उन वीडियो का दो तीन बार देखना है आपको, दो तीन बार वीडियो देखना है। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है वो क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। ऐसे करके आपको सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में बांटने वाला था। सर्वप्रथम भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में बांटने वाला था हम्बोल्ट, इकांट, वेरेनियस या सीरिटर। देखिए इसका भाई साहब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट। तो याद रखिएगा ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है विचार दिया गया है। ये किसके द्वारा ये विचार दिया गया है कि मानव जो है वो पृथ्वी धरातल की उपज है? चार ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल सावर। कार्ल सावर, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कार्ल सावर। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, ये कथन किसका है? भैया ये कथन किसका है? कथन पर हम एक क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, सॉरी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। पूरे वीडियो में आपको कथन ही देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के सारे कथन एक वीडियो में हम सम्मिलित कर देंगे इस सीरीज के खत्म होने के बाद। कथन और उसके बाद फिर बुक एवं आर्थर। ओके, ताकि आपको बीच बीच भटकना ना पड़े, वहीं से सारा याद हो जाए। लेकिन उसके पहले ये सीरीज सभी आपको याद करने जरूरी हैं। ओके, सीरीज के सभी क्वेश्चन पढ़ने जरूरी हैं। चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए कि सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, ये कथन किसका है? देखिए ये कथन है हटिंगटन। हटिंगटन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर। सही अर्थों में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन माना जाता है। सही अर्थों में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन माना जाता है कांट, हम्बोल्ट, रिटल या रेडजल। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडजल, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सही अर्थों में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन माना जाता है रेडजल के द्वारा। ओके, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है,
समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, ये कथन है। समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, ये कथन है। रेडजल, ब्लांस, ब्रूंस या डिमांजिया, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडजल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडजल। समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, ये कथन किसका है बाबू? रेडजल का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 79, फटाफट कमेंट कीजिए। योगतम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास करता था वो कौन सा भूगोल वक्ता था जो योगतम की उत्तरजीविता सिद्धांत पर विश्वास करता था? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडजल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेडजल जो है योगतम की उत्तरजीविता पर विश्वास करता था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। उत्तरी प्रदेश के लोग बर्बर, क्रूर तथा साहसी होते हैं। उत्तरी प्रदेश के लोग बर्बर, क्रूर तथा साहसी होते हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के लोग प्रतिशोध लेने वाले, चालाक होते हैं, परंतु उनमें सत्य तथा असत्य में भेद करने की क्षमता होती है, यह कथन है। किसके द्वारा? थेल्स, प्लेटो, बोदिन या हिकेटियस। देखिए इसका भाई साहब राइट ऑप्शन हो जाएगा बोदिन। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी प्रदेश के लोग बर्बर, क्रूर और साहसी होते हैं, जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र के लोग होते हैं वो प्रतिशोध लेने वाले होते हैं, बदला लेने वाले होते हैं और चालाक होते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि वो सत्य एवं असत्य में विभेद कर पाते हैं और उन भेद करने की उनके अंदर क्षमता होती है। अगला नंबर है 81, भूगोल में नियमबद्ध निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? बताइए भाई साहब, भूगोल में नियमबद्ध निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? चार ऑप्शन है, डेमोलिन, ईसा बोमेन, पीटर हैगेट, बकल। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? फटाफट बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। भूगोल में नियमबद्ध निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेमोलिन। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण में अर्थहीन वाक्यांश बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है, यह कथन है। चार ऑप्शन है, हाइकेल, बकल, स्पेट या थेल्स। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब स्पेट, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कथन किसका है? स्पेट का। ओके, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट है, इसको कहा था स्पेट ने, और ये बिल्कुल बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना मानव के बिना पर्यावरण कैसे रह पाएगा, सुरक्षित कैसे रह पाएगा। ओके, इसका कोई अस्तित्व नहीं है बिना मानव के, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है 83 नंबर, निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने विश्व को सम तथा विषम जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? हंटिंगटन, हार्टसोर्न, हम्बोल्ट, रिटर। देखिए बाबू करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हंटिंगटन, तो क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हंटिंगटन, याद रखिएगा हंटिंगटन। किस भूगोल वेत्ता ने विश्व को सम तथा विषम जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? हंटिंगटन, सम टम, याद रखिएगा। ओके, अगला है 84 नंबर, किस भूगोल वेत्ता का कथन है कि ढाल, उच्चावच, जलवायु आदि सभी ईश्वर की देन है और ये सभी मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं? चार ऑप्शन है, टलेमी, स्ट्रेबी, केटियस या थेल्स। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेबी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, स्ट्रेबी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है 85 नंबर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है? अरस्तु का, स्ट्रैबो का, हिप्पोक्रेटस का या हेरोडोटस का? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हिप्पोक्रेटस का क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये हिक्रेटियस नहीं है, हिप्पोक्रेटस है। क्या है? हिप्पो, यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 86 नंबर, जयप्रसन्न का मुख्य योगदान है। जयप्रसन्न का मुख्य योगदान है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मानव भूगोल। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रसन्न का मुख्य योगदान है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मानव भूगोल। ओके, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। देखिए भाई साहब, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिमांजिया। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डिमांजिया याद रखिएगा। अगला आता है 88 नंबर, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव के उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण पर अध्ययन करता है यह कथन है? चार ऑप्शन है, जे एम हार्टस्टन, डॉक्टर एन जी पाउंड्स, पीटर हैगेट, ईसा बोमेन। देखिए बाबू, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एन जी पाउंड्स। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के मुख्य अंग हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के मुख्य अंग हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उक्त सभी यानी तीनों चीज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रदेश की जनसंख्या, उसकी क्षमता, उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत याद रखते हैं हम लोग, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? मानव भूगोल के अंतर्गत। उस प्रदेश की प्रकृति, वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, वो मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप, वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है, यहाँ आवश्यकताएँ नहीं अपुत सर्वत्र संभावनाएँ हैं और मानव इन संभावनाओं के उपयोग करने के निर्णय का स्वामी है यह कथन है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं कि यहाँ आवश्यकताएँ नहीं अपुत सर्वत्र संभावनाएँ हैं और मानव इन संभावनाओं के उपयोग करने के निर्णय का स्वामी है यह कथन किसका है? यह कथन है लूसियन फ्रैबे का, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लूसियन फ्रैबे का। ओके, बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, संभववाद के प्रवर्तक हैं। संभववाद के प्रवर्तक हैं, चार ऑप्शन है, जीन्स ब्रूंस, विडाल डी लाब्लास या अल्बर्ट डिमांजिया, इनमें से कोई नहीं। वे जीन्स ब्रूंस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संभववाद, संभववाद जीन ब्रूंस प्रवर्तक है संभववाद के। ओके, नेक्स्ट आता है 92, मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है यह कथन किसका है? फैबे, ब्लांस, डिमांजिया या ब्रूंस का? देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लांस। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, प्राकृतिक एवं परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती यह किसका कथन है? प्राकृतिक एवं परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती यह कथन है? ए बी हम्बोल्ट, विडाल डी ब्लास, जीन गॉटमैन, ई सैंपल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी हम्बोल्ट। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 94 नंबर, वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित तथा विशिष्ट अवस्था में ही स्थित होते हैं। वातावरण के भौगोलिक
तत्व संकुचित तथा विशिष्ट अवस्था में ही होते हैं। जैसे ही वे मानव के संपर्क में आते हैं, वे मानवता की भांति परिवर्तनशील होते जाते हैं। यह कथन किसका है? बाबू, ये कथन है ईसा बोमेन का। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भूगोल वेत्ताओं का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल से संक्रमण की प्रकृति की खोज करना तथा उसे समझना यह कथन है। यह कथन किसका है बाबू? ये आपको बताना है। देखिए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ल सावर का। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। संभावनावाद संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? संभावनावाद संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? यह आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू ग्रिफिथ टेलर। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो दोस्त अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या आपकी कोई ग्रुप बनाए हुए हैं अपने कॉलेज का, उस ग्रुप में ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। आजकल तो ज़्यादातर डिजिटली हेल्प ही चलता है, क्योंकि हम लोगों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि बाहर आना जाना बहुत कम हो पाता है। तो हम लोग एक दूसरे की डिजिटल हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल हेल्प का मतलब होता है कि कोई सब्जेक्ट को हम बता सकते हैं छात्रों को कि इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, अगर आप इससे तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि स्नातक एक ऐसा कोर्स होता है कि इसमें अगर आपका अच्छा नंबर है तो आगे चलकर करियर में आपके कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी, अगर गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है। जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है, यह कथन है। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रेडजल, बी ऑप्शन है कार्ल रिटर, सी ब्लांस, डी ए डिमांजिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लांस। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है, तो ब्लांस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता आपसे या पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, आप टेलीग्राम से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से नहीं डाउनलोड कर पाए हैं। तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है हमारा, इस चैनल का लो समझ लो नाम से हुआ, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनली पीडीएफ दे दिया जाएगा। पहली बात तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद अगर नहीं वहाँ से डाउनलोड कर पाते तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं डाउनलोड कर पाते तो आप मुझे कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप हमें मैसेज करिए, आपको पर्सनली वो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएँ अगर हम आपको देते हैं तो आप का एक फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करो, कम से कम 10-15 लोगों को शेयर करो, जितने भी आपके साथी मित्र हैं उनको शेयर करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भाई। अगर आपको इतनी सारी सेवाएं हम फ्री में दे रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत फ्री में कर रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए सभी कॉलेज के छात्रों को बताएं कि इस चैनल से आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर आपके पढ़ाए जाते हैं। ओके, चलिए 98 नंबर देखते हैं। मनुष्य यद्यप इन सीमाओं को पूर्णतः लांग नहीं सकता तो भी उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन्स ब्रोंस का, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। हम अमानवीय प्रकृति तथा अप्रकृत मानव की कल्पना नहीं कर सकते। हम अमानवीय प्रकृति तथा अप्रकृत मानव की कल्पना नहीं कर सकते, यह कथन है। जय प्रसन्न, प्रो मुनीश रजा, डॉक्टर टेथम, ओएच स्पेट। फटाफट कमेंट कीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओएच स्पेट, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 101 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य सबसे मान्य संकल्पना है। मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य सबसे मान्य संकल्पना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी उपगमन। पारिस्थितिकी उपगमन, डी आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले हमने सिलेबस आपको समझा दिया है, टोटल 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। ओके, जल्द ही इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि डेली वीडियो इस समय अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।